अब आपको पता है कि अक्सर ओकात आपके पास फेसबुक या इंस्टाग्राम और बाकी चीजें जब आप तस्वीरें अपलोड करते हैं आपके फेस टैग्स हो जाते हैं ऐसे फेस है? पूरे के पूरा टैग हो जाता है कि इसको टैग करना है कि नहीं ऐसे बॉक्स आ जाता है वट इफ वी कैन डू द सेम थिंग इन ओपन सिली यस एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू दैट नाउ और बाकायदा हमने एक तस्वीर रीड करनी है और डिटेक्ट करना है कि इसमें फेस कहाँ पे है फिर आप नेक्स्ट से कोई पंद्रह बीस लोगों की तस्वीरें निकालेंगे और उस पर ये वाला मॉडल रन करेंगे एंड देन यू कैन डिटेक्ट दोस एज वेल इजी पे और ये बाकायदा आपके पास जो एल्गोरिथम ओपन सीवी के अंदर ही उसी के अंदर ही आप फेस डिटेक्ट कर सकते हैं इम्पोर्ट सी वी टू करना है आपने पहले इम्पोर्ट सीवी टू करने के बाद आपने अच्छा एक मशहूर जमाना कैसकेड है कैसकेड क्या होती है आप यही कह लेंगे मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम या एक टेक्निक जिसकी बेस पे फेस चलता फिरता नजर आ जाता है मतलब ये कि दो आंखें होंगी एक नाक होगा होंठ होंगे और ऊपर यहाँ पे भवियां होंगी और फिर आपके ये जो पता नहीं क्या है कहते हैं आईब्रोज कहते हैं या कुछ जो भी कहते हैं वो होंगे कान होंगे यहाँ पे ठीक है और अगर कोई बीड मैन है लाइक like तो वो बियड होगी उनकी ठीक है फीमेल्स हैं तो अक्सरों का उनके हिजाब भी होता है सो दीस काफ थिंग्स हाउमैन हाउ वी कैन डिटेक्ट दोंगस उसके लिए हमें फेस का जो है वो बनानी पड़ती है और बेसिकली ये अगर मैं इसको यहां पे लिखूं तो जो कैसकेड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है हार कैसकेड्स ठीक है एच ए ए आर ठीक है इसके बारे में आप जरूर देखिएगा ये फ्रंटल फेस को डिफॉल्ट इसका हम यूज करने वाले हैं ये कैसकेड ऑलरेडी बनी हुई है और ओपन सीवी के अंदर मौजूद है यू कैन यूटिलाइज इट एज इट इज लेकिन जिन्होंने ये ट्रेन किया बकायदा उन्होंने काफी इमेजेस लेके ह्यूमस की और उनके एक एक पिक्सल को देख के फिर इस चीज को डिजाइन किया ये बेसिकली एक टाइप ऑफ एल्गोरिथम है जो फाइनली जैसे हम यूज नहीं करते थे लीनियर uh, एग्रेशन का मॉड्यूल यूज कर लिया रेडियन डिसेंड कर लिया एक्सडी uh, बूस्ट कर लिया ये उसी तरीके से एक्सएमएल के अंदर हमारे पास कैसकेट्स आती हैं हमने इसे लोड कर लिया यहाँ पे ठीक है और उसके बाद हम अपने हमने अभी क्या करनी है रीड द इमेज अब इमेज रीड करते हैं पहले और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हम सिंपली क्या करें एक सिंपल इमेज रीड करें पहले जो मेरी पीएनजी के अंदर मेरे पास सेव है डॉटी एन जी करने के बाद इमेज रीड करने के बाद अब मैंने क्या करने? Detect करना है डिटेक्ट करना है फेस मतलब अगर एक बंदा है तो एक फेस होगा ज्यादा है तो ज्यादा, है, तो, ज्यादा है, तो हम हमेशा faces इस से लिखते हैं, फेसेस उसके लिए हम करेंगे फेसेस इज इक्वल टू ये जो फेस कैस्केड है ये जो हमने यहाँ पे फेस कैस्केड क्लासिफायर बनाया यानी कि अगर वो एरिया आ जाता है तो उसके इर्द ऑटोमेटिकली क्लासीफायर लग जाए ठीक है वो क्लासीफायर हमने यहाँ पे चूज किया है फेस के अंदर हमने इसको लगाना है और मल्टी स्केल के अंदर आई एम जी के लगाया या आप लिख दें, उसके हमने लगाया, तो साथ में हमने बता दिया अब हम क्या करेंगे ड्रॉ रेक्टेंगल अराउंड बात है मॉडल में अक्सर कहा था आप रिक्टल ड्रॉ कर देते हैं उसके लिए आप सिंपली क्या करते हैं फॉर यहाँ पे

और आप उसकी विर्थ वगैरह बता सकते हैं फिर आप यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे आउटपुट और उसके लिए सिंपली आप सी वी टू आई एम शो इमेज को शो करना यानी कि जो विंडो जिसके अंदर इमेज शो करनी है उसका नाम आई एम जे हो या इमेज भी पूरा रख सकते हो और जो ऑब्जेक्ट शो करना है दैट इज इमेज ठीक है आई एमजे तो नाउ आई विल सी वी टू वेट की लेट्स रन दिस नाउ और मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पे क्या होता है ये जनाब ये मेरी इमेज है बाकायदा जो आपको मैंने पहले दिखाई थी और आप देख रहे होंगे इसके इर्द गिर्द पे मेरे फेस के ऊपर ये चीज आ गई है मैंने खुद से ड्रॉ नहीं किया आपको भी पता है इट्स ड्रॉन ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द जो हमने यूज किया आप यही चीज दस बारह लोगों के ऊपर भी ट्राई करके देखें आपको फेस डिटेक्ट हो जाएंगे और अगर फेस डिटेक्ट हो गए उससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं इस इमेज में कितने लोग हैं अगर फेस डिटेक्ट हो गए तो हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ह्यूमन फेस है और ये इतनी दफा है तो उससे क्या होगा काउंटिंग हो सकती है एक ऐसा फीचर है फेस जो बहुत ही रेयर है अदर स्पीशीज के अंदर सिमिलैरिटीज में फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इंसानी फेस है वो बेसिकली दूसरे जानवरों से बहुत डिफरेंट है एनिमल्स है ठीक है सो so, अगर एक शेर आ रहा है एक पार्टी में एक बिल्ली आ रही है मैं अगली बात नहीं बोलूंगा तो और साथ में इंसान आ रहा है तीन लोग आ रहे हैं न हैव एन आइडिया कि इंसान कितने हैं और बाकी कितने लोग आए हैं तो डिफरेंट क्लासीफायर अवेलेबल है यू कैन यूटिलाईज एंड इट प्रैक्टिस अब यही काम आपने करना है अपनी कैम की वीडियो के ऊपर कै यू प्लीज डू इट सेम वही काम आपने कैसकेड कॉल करके इसको अपने कैमरे की वीडियो पे लगाना है मतलब जो वीडियो आपके पास आ रही है उसके अंदर इसको ऐड करना है आपने ये मैं कोड आपको भेज देता हूं ताकि आपके पास ये रहे आपको ये कोड मैंने भेज दिया इसको आपने वीडियो पे लगाना है यानी कि कैमरे से इनपुट लेके वेब कैम की सिंपली लूप में आपने ये रन करना है और आपको पता है कि जब आप इसे रन करेंगे यू विल सी अ मैजिक आप ऐसे मूव भी करेंगे आपका फेस डिटेक्ट होता जाएगा उसमें मैं अपना दूसरा मीनवाइल सेट कर लूँ ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूं कि क्या होता है ये चले जी मैं आपको कोड दिखा देता हूँ पीजी है और इसमें एक थोड़ी सी चेंज और मैंने किया जो आपको अक्सर औकार नजर आएगी वो ये है कि यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया क्या बुला लिया हमने ठीक है कैप्चर को हमने वीडियो कैप्चर जीरो कैम पे कर लिया वाइल फंक्शन हमने फाइल लूप सॉरी लगाया ट्रू किया और हमने इमेज को रीड करना स्टार्ट किया ठीक है रीड द फ्रेम अब हमने क्या किया फेसिस का पूरे का पूरा जो हमारे पास क्लासिफायर uh, था उसको इमेज पे लगा के थ्रेश होल्ड वैल्यूज दे दी ठीक है एंड देन वी हैव टू ड्रॉ द रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया सिमिलर उसी फैशन में और मैं आई एम जी को बाद में यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ सेम हम अब जो काम हमने सिंगल इमेज पे किया था यहाँ पे पूरे के पूरे सारे के सारे फ्रेम्स पे कर रहे हैं विच इज कॉल्ड आई एम जे जो चीज आप देखेंगे अक्सर का अगर आप कुछ भी ना लिखें तो एस्केप की के थ्रू आप इससे एग्जिट कर सकते हैं जो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है ना एस्केप दबाने से भी एक्जिट हो जाएगी इफ़ यू राइट दिस दिस काइंड ऑफ कोड वेट की थर्टी के हिसाब से अगर आप इसको लगे ठीक है सो यू यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर ऑन प्रेफरेंस लेकिन अगर आप ये वाला कोड यूज करेंगे दैन यू कैन प्रेस एस्प और वो वहाँ से विंडो रिलीज हो जाएगी मैं अब आप आपको रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसा नजर आता है मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ इसको प्ले करने के बाद मैं कैमरा अपना ऐसा एडजस्ट करता हूँ ताकि आई कैन एक्चुअली मूव दिस थिंग और आप देख सकें कि किस तरीके से ये चीज़ें नज़र आती हैं और देन यू विल सी अनदर थिंग इज वेल ये आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको राइट right? ये देख रहे हैं ये मैं पीछे जा रहा हूँ ये आगे जा रहा हूँ चेक कीजिए सारी बात है ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि मेरा कैमरा डिफरेंट है और मेरा एंगल डिफरेंट है लेकिन अगर मैं ऐसे देखूंगा तो इट विल बी डिफरेंट ठीक है सो यू कैन हैव एन आइडिया कि किस तरीके से आप अपना फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं एंड आपको कुछ चीज़ें और भी नजर आ रही होंगी पीछे नॉइज भी नजर आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा क्योंकि मेरी दाढ़ी है इस वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है डिटेक्ट करने में एंड दैट कुड बी द इशू क्योंकि गोरे सारे ज्यादातर क्लीन शेव होते हैं तो शायद इनका जो मॉडल है वो काम नहीं कर रहा अल्लाह करे वाले भी लग दाड़िया कर तो खैर मैंने कभी मॉडल ट्रेन किया तो बी वाले तो ज्यादा रखने वाला हूँ बाई द वे दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली ट्रेन द मॉडल सॉरी यू कैन एक्चुअली डिटेक्ट द फेस कैंसिल करता हूं और अगर आप अपने दोस्तों के साथ ये वाला काम करेंगे कैमरा रन करके देन यू कैन सी के इसको कैसा यूज करते हैं ठीक है वो निविया क्रीम नहीं थी वो निविया का लोशन था मुझे कमेंट आया कि पीछे आपकी निविया क्रीम नजर आ रही है क्रीम नहीं लोशन है क्रीम लाइया होंगे थे एंजदे होंगे असि चंगे गोरे चिट्टे ना होंगे खैर बाई द वे दिस इज ऑल यू वर्क विद ओपन सी कंप्यूटर विजन एंड इट कैन डू वॉन्डर्स अगर आपको पता है कैसे यूज करना है कुछ चीजें अभी तक नहीं बताई विध यू कैन ऑल्सो सर्च बाईर एक एक लाइन का कोड तो ये आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से आपने एज डिटेक्ट कर लिया इसके बाद आप कैसे डिटेक्ट करेंगे आइज कहाँ पे है एक और आपको मैं बात बता दू कैमरे से मेरा डिस्टेंस कितना है यू कैन ऑल्सो मैयर दैट वन बेस्ड ऑन द पिक्जल्स बेस्ड ऑन द कैमरे की जो लेंथ uh, है और कैमरे का फ्रेम रेट कितना है कैमरे के डेप्थ ऑफ फील्ड कितना है उसकी बेस पे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कैमरे से डिस्टेंस कितना है विच मेक्स इट रियली ट्रिकी अब आपको मैं एक रूल बताने वाला हूँ टेस्ला की ऑटोमेटिक ऑटोनोमस ड्राइविंग कार्स जो हैं कैमरा की बेस पे उनकी ज्यादा इमेजेस आती हैं और वो वहीं से डिटेक्ट करता है कि आगे गाड़ी है आगे साइकिल जा रही है आगे मोटरसाइकिल जा रही है क्या जा रहा है ऑन टॉप ऑफ दैट देर आर लॉट ऑफ अदर टूल्स एज वेल जैसे लाइडार सिस्टम है वो सिग्नल छोड़ता है और थ्री डी इमेज आपको दे देता है कि क्या है आपके आगे जा रहा है यही फंक्शन आपका आईफोन्स के अंदर भी मौजूद है अगर आप आपको पता है आई के अंदर आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं और मेरे ख्याल हाँ से बाकी काफी मॉडल्स uh, के अंदर मौजूद है कि आप लाइडर सिस्टम को यूज करके अपने पूरे कमरे का भी थ्री स्कैन कर सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट का भी थ्री डी स्कैन कर सकते हैं कि आप ऑगमेंटेड रियलिटी पे एप्स को यूज कर सकते हैं तो तो opportunities. और कंप्यूटर विजन फ्यूचर में बहुत ऊपर जाने वाला है अभी तो आगे है ही लेकिन फ्यूचर में और भी आगे जाने वाला है उसकी रीजन मेडिकल के फील्ड में आगे ऑटोनोमस ड्राइविंग में बेबाह आगे अगर आप कंप्यूटर विजन में खुद को मास्टर कर लेते हैं देर आर सेवरल बुक्स इस तरह के काफी लोग जो है, वो यहां पे हैं वो रेडी सक्सेसोर भी मौजूद है कि लोगों ने अपनी बेस पेटर विजन सी एंड नाउ दे आर वर्किंग इन द बिग फॉर्म्स रीजन क्या है रीजन उनका पैशन है तो आप एक स्किल को पकड़ के अगर शुरू से एंड तक उस पर लग जाए यू कैन डू अलॉर ऑफ थिंग्स यही चीज थी यारिजन की बेसिक्स के अंदर मैं यहाँ पे अपना लेक्चर जो है